नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं लिखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है। 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे है जो युगांतकारी फैसले है, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंब करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति ना जनता को अविश्वास है, ना सदन को अविश्वास है, और ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। मान्यवर, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं, तब 2-3-4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। माननीय, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। माननीय, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनोरथ संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। मान्यवर अब तक जन धन योजना, भाई आप योजना तो बनाते हो, करते नहीं हो, बैठो बताता हूं।
मैं बताता हूं, बैठो ना बैठो ना, अरे बैठो ना बैठो ना। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा, आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए, आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर 25 लाख करोड़ रुपया इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, एक पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्यवर इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था, एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यही पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली, मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा, वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए 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 जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको, अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले, बैठ जाओ। मान्यवर मान्यवर आने वाले दिनों में, मान्यवर आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो, ये सात के सात क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो सातों क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। और साफ इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, दादा इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा, और फोन करना मुझे।
मान्यवर देश की सुरक्षा यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा, तुम मत बोलो, वो थक जाएगा, मैं नहीं थकूं। मान्यवर सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। दो बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। मान्यवर आपके माध्यम से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनको मैं एमएसपी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं कि भैया आपने एमएसपी की कितनी खरीदी की थी और एमएसपी में के रेट में कितनी बढ़ोतरी की थी, जरा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाइए। मगर नहीं जाएंगे, बैठे बैठे बोले रह गए एमएसपी का क्या हुआ। मैं बताता हूं सत्य क्या है और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को और 14 करोड़ किसानों को कहना चाहता हूं कि आपके घर में सबसे ज्यादा एमएसपी और एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान खरीदने का काम कोई एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर धान की खरीदी पहले ध्यान से सुनना, सभी सभासदों को मेरा विनंती है ध्यान से सुनिए, धान की खरीदी 475 लाख मैट्रिक टन मनमोहन सिंह जी ने अपने अंतिम साल में की। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 475 लाख मैट्रिक टन नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम खरीदी 896 लाख मैट्रिक टन, 88% की वृद्धि। मान्यवर और लाभार्थी किसान पहले 76 लाख थे, अब 1,31,00,000 लाभार्थी। मान्यवर गेहूं की खरीदी एमएसपी पर खरीदी, इसके अंदर मनमोहन सिंह जी और इनकी यूपीए की सरकार 251 लाख मैट्रिक टन छोड़कर गए थे, 251 लाख मैट्रिक टन। अब नरेंद्र मोदी जी ने 251 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 433 लाख मैट्रिक टन पहुंचाने, और पहले गेहूं 20 लाख किसानों का खरीदा जाता था, अब गेहूं 43 लाख किसानों का खरीदा जाता है। मान्यवर मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हमारा मखौल उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते हैं, शायद 5 साल बाद भी उड़ाएंगे, समझ नहीं पड़ी है। मान्यवर हम कहते थे कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाता, अब मैं बताता हूं मान्यवर मोदी जी ने निर्णय कर दिया कि किसान की आय से मतलब खर्च से लागत से 50% कम से कम एमएसपी रखेंगे, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक किसान हिस्से से निर्णय। मान्यवर धान की एमएसपी जो 1310 थी, मैं फिर से एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मनमोहन सिंह जी यूपीए सरकार जिनको हम पर अविश्वास है, वो यूपीए सरकार धान के एमएसपी 1310 छोड़कर गई, कम खरीदते थे मगर रेट 1310 था, हमने ज्यादा खरीदा और उसके दाम को भी 1310 से बढ़ाकर 2040 कर। मान्यवर गेहूं 2013-14 में 1400 रुपये एमएसपी छोड़ कर गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए, और आज 2013-14 में 1400 से बढ़कर 2125 रुपया एमएसपी मिलता है। हमने गेहूं ज्यादा भी खरीदा और गेहूं का दाम भी ज्यादा दिया, और इसलिए मोदी जी ने आज कहा है 9 अगस्त को परिवारवाद ट्वीट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इस देश की आंतरिक सलामती की दृष्टि से 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते थे, एक कश्मीर, एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट, और सालों तक कांग्रेस की सरकार रही ये चलता रहा।
आज मैं स्पष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या वोट बैंक की राजनीति और समस्या से आंख बूंदना था। कश्मीर की समस्या सरकारों का ढूलमूल रवैया था। कश्मीर के अंदर 2014 से हमारी नीतियों में परिवर्तन आया। मैं फिर से एक बार कहना आऊंगा, मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 14 से 19 तक राजनाथ सिंह जी ने और उसके बाद मैं गृहमंत्री बना हूं, मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? तीन परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये तीन परिवारों ने कुल शासन किया। वहां का पंचायत चुनाव नहीं कराए। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त, 4,483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। मान्यवर, मैं इसलिए तुलनात्मक रखता हूं कि अविश्वास का जो प्रस्ताव है, इससे देश की जनता में भ्रांति न खड़ी हो। मान्यवर, ये बहुत जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं 9-9 साल के दो टुकड़े लेकर आया हूं। कौन से 9 साल के टुकड़े हैं? एक, परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर चुनी गई यूपीए की सरकार के 9 साल है, और एक, देशभक्ति और समर्पण के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकार। 9 साल की दोनों के तुलनात्मक में आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर, कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है, और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है, और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत। मान्यवर, इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकर चलाने। 10 साल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य और यहां पर ये यूपीए की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमारे कई डेवलपमेंट के पंडित कहते हैं मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मैं बताता हूं भैया, ये भी बताता हूं मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं 8 राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है।